नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। देखिए, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्म उत्सव है। जयंती उनकी मनाई जाती है जो इस दुनिया में नहीं है, और हनुमान जी हमारे ऐसे देवता हैं कि हर युग में रहे हैं और रहेंगे, इसलिए उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। हर साल ये प्रोग्राम आप करते हैं, भगवान महावीर का जन्म उत्सव हर साल होता है हमारा यहाँ प्रोग्राम। सुंदरकांड का पाठ होता है, आरती होता है, सब लोग आते हैं। और किसी को भी अगर मैनेजमेंट के बारे में सीखना हो तो सिर्फ हनुमान जी का जूनी पढ़े, उसे जीवन में हर चीज़ का मैनेजमेंट करने का अनुभव मिल जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे, भगवान बजरंग बली की कृपा कैसे लोगों पे बनी रहे, उनका पूजा कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी? देखिए, पूजा तो हर किसी को करना चाहिए, वो किसी भी देव का करे, लेकिन आज इस कलयुग में हनुमान जी साक्षात मौजूद हैं और हनुमान जी की पूजा करने के लिए कोई शारीरिक कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जो आपके पास समय मिले वो हनुमान जी को दीजिए और फिर वो देखिए उनकी कृपा आप पे कैसे बरसती है। सबसे आसान और सबसे इजी जिसको कहा जाता है वो है हनुमान चालीसा। लोग एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, चालीसा का हर एक श्लोक अपने आप में एक मंत्र नहीं महामंत्र है। जैसे उसमें कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सिर्फ इतना करने से मनुष्यों का सारा कष्ट और रोग खत्म हो जाता है। एक चीज़ और, मैथिली समाज से आप ताल्लुक रखते हैं और आए दिन मैथिली समाज को लेकर के एकजुट करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैथिली समाज की बात करें तो 2000 इलेक्शन है, चुनाव चल रहा है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप इसे देखना चाहेंगे? भाई, प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा हम लोग नरेंद्र भाई मोदी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि इस देश के विकास के लिए, पूरे समाज के लिए उनका रहना बहुत जरूरी है।